मैं अब्दुल रहीम अब्दुल करीम, इनका लड़का मोहम्मद अली अहमद अब्दुल रहीम। मैं मेरे वालिद साहब के साथ, मेरे पिताजी के साथ यहाँ पे पिछले 40 से 45 साल से हम लोग रह रहे हैं, और ये आज से 20-25 दिन पहले एक आदमी हमारे पास आया। उसने हमको बोला ये जगह आप बेच रहे क्या? वहाँ से हमको मालूम पड़ा, तो हमने इंक्वायरी चालू करी। वो इंक्वायरी आधार हम सबसे पहले सीपी साहब के पास गए। सीपी साहब से हमने एप्लीकेशन किया, जिसके रिमार्क पे वो एप्लीकेशन जिनसी में आई। वहाँ पर पीआई भंडारे साहब ने पूरी तफ्तीश करके इनके ऊपर एफआईआर किया, जिसके अंदर एफआईआर में जलालुद्दीन जमालुद्दीन अलीमुद्दीन जलालुद्दीन फारूक और मुकीम, ये चार लोग हैं। ये चार लोग पे था अपने पार में 420, 467, 468, 471, 34 ये कलमादार लगाया। कल इनको 3 दिन का पीसीआर भी मिला। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये लोग पिछले 15 से 20 साल से कटकट गेट एरिए में और औरंगाबाद शहर में इन्होंने एसटी कॉलोनी नाले की जगह, औरंगाबाद टाइम्स की अतराफ की जगह, उसके बाद मोंडा में दरगाह की जगह, उसके बाद सादिया टाकिस के पास की जगह इन लोगों ने ये प्रकरण किए। इनके ऊपर एफआईआर है, 420 है, और भी बहुत ऐसी ऐसी कलमें हैं कि इनको एलपीडी होता है, इनको जेल में पर कुछ शासकीय प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर ला के ये लोग बाहर फिरते। इस पर इनके साथ में कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर इनको समझ के, जैसा कोई तहसील तलाटी कलेक्टर कॉरपोरेशन, ये लोग इनके साथ रात दिन शामिल रहते। लैंड रिकॉर्ड, यहाँ पर ये लोग लैंड रिकॉर्ड में तो इनकी बैठे की है, आप कभी भी जाओ ये लैंड रिकॉर्ड में आपको बैठे नजर आएंगे, ये इन लोगों का काम बने हुआ है। पर हमारे को पुलिस ने, सीपी साहब ने और पीआई भंडारे साहब ने बहुत अच्छी मदद करे, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर किया, और अब हम आपके चैनल के माध्यम से शहर वालों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको आगे कड़ी से कड़ी सजा हो, और ये भू माफिया को सारे शहर में लोगों को मालूम हो। इनके बनावटी पेपर, जिन्होंने एक सूट चलाए आज से 2 साल के अंदर, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, सूट नंबर है 1426, ये सूट आधार है। जब इनको कोर्ट ने बोला कि आपकी ये ज़मीन अगर है तो आप इसकी फीस भरो, तो इन्होंने फीस नहीं भर के खोटा जीपीए बनाए मेरे पिताजी के नाम से फारूक ने, वो खोटा जीपीए पे इन्होंने तड़जोड़ पत्र तैयार करके कंप्रोमाइज डीड बना लिए नेशनल लोक अदालत में। इस तरह इन्होंने जज साहब लोगों को धोखा दिया, जज साहब लोगों के साथ कोर्ट की दिशा भूल की, कोर्ट को धोखा दिया। वहाँ से निकल के वो सारे पेपर लेके ये तहसील पहुँचे, तहसील पहुँच के तलाटी और मंडल अधिकारी इन लोगों को डुप्लीकेट हिबा अजून एक आमचं ऑफिस रहते कटकटी गेट आईपी मेस समोर 18,000 स्क्वेअर फीट जमिनीचे बनावट कागदपत्र मौल्यवान दस्तावेज बनवून ती जमीन परस्पर नावावर करून घेतल्याबाबत अब्दुल रहीम अब्दुल करीम राहणार कटकटी गेट आईपी मेस समोर यांची तक्रार आमच्याकडे प्राप्त झाली होती। सदर तक्रारीमध्ये माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी कारवाई करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या, त्या अनुषंगाने आम्ही सदर अर्जावरून सर्व कागदपत्रांची पाहणी करून शहानिशा करून गुन्हा दाखल केलेला आहे। तो CR नंबर 51/2023 कलम 467 471 420 34 भादवीप्रमाणे दाखल आहे। यात 4 आरोपींचे नाव असून त्यातील 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे, त्यापैकी एक अलीमुद्दीन जलालुद्दीन खान राहणार कटकटी गेट, मुकीत खान राहणार चिस्तिया चौक, आणि फारूक शेख ह्याला अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांना 3 दिवसाची पोलीस कोठडी दिलेली असून पुढील तपास PSI अशफाक शेख हे करत आहेत।